जल्द ही दिल्ली मेट्रो रेल की तरह ही हर रेलगाड़ी के डिब्बों के दरवाजे बंद होंगे और खुलेंगे। उन्हें खोलने और बंद करने के लिए हाथ नहीं लगाना होगा। सभी ट्रेनों के दरवाजे ऑटोमेटिक डोर लॉक सिस्टम से लैस होंगे। ये कदम यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और यात्रा के दौरान आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया जाएगा। पहले चरण में राजधानी और शताब्दी में इसका प्रयोग किया जाना है। ऑटोमेटिक दरवाजों का कंट्रोल ट्रेन में गार्ड के कैबिन से होगा। कुछ समय बाद ड्राइवर्स को भी कंट्रोल दे दिया जाएगा। नए सिस्टम के तहत दरवाजे केवल प्लेटफॉर्म की ओर ही खुलेंगे और जब तक दरवाजे बंद नहीं होंगे ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। अभी हाथ से बंद होने और खुलने वाले दरवाजों के कारण आए दिन चलती गाड़ी से यात्रियों के गिरने की घटनाएं होती रहती हैं। ऑटोमेटिक डोर लॉक सिस्टम से लैस दो राजधानी और दो शताब्दी ट्रेन इस साल अप्रैल से पायलट प्रोजेक्ट के तहत संचालित होंगी। बाद में पूरे देश में इसका प्रयोग लाया जाएगा। खर्चे की बात करें तो रेलवे को हर एक कोच में नए दरवाजे लगाने का 20 लाख रुपए खर्च आएगा। राजधानी शताब्दी ट्रेनों में नया प्रयोग सफल होने पर बाद में बाकी ट्रेनों में भी ये ऑटोमेटिक दरवाजे लगा दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।